हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी को फिर से एक न्यू वीडियो में। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि टाटा इंडिका पर मैं वीडियो बनाता हूं। अगर आपका डिमांड आ रहा है किसी और गाड़ी पर भी वीडियो बनाने के लिए, तो मैं वीडियो बना सकता हूं। मेरे कमेंट सेक्शन में देख रहे हैं कि कमेंट आया है कि सर टाटा इंडिका V2 की वर्जन की गाड़ी है और उसमें बैटरी में पावर है लेकिन फिर भी स्टार्ट नहीं होती है, इसमें करंट नहीं होती है। इसी की डिमांड पे एक वीडियो बन रहा है, तो छोटी सी वीडियो है, आप लोग देख लें, समझ लें तो बेहतर रहेगा। अगर टाटा इंडिका आपके पास गाड़ी है तो आपको देखना तो पड़े करेगा बैटरी के लिए, क्योंकि बैटरी की समस्या इसमें आती है। और एक और आया है कि सर मेरे जो हीटर प्लग है उसमें करंट नहीं आ रहा है, तो उसको कैसे चेक करें, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ इस वीडियो में। और एक और आया है कि सर वाइपर पर एक वीडियो बनाइए, तो वाइपर ख़राब अगर हो जाता है तो उस पर एक वीडियो बन जाएगा, लेकिन मैं वाइपर को खोलने का और कुछ उसमें टिप्स बता रहा हूँ कैसे ऐसे आप करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो चलिए, इसी की डिमांड के हिसाब से आज वीडियो बनाते हैं, तो चलिए लेट्स गो स्टार्ट। तो मैं पहले तो अपनी गाड़ी को रिव्यू दिखा दे रहा हूँ कि आपको कैसा अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप यस या नो बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो बनाते हैं। तो पहले मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो पहले मैं बैटरी से स्टार्ट करता हूँ कि बैटरी में अगर पावर है और फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और लाइट भी शो नहीं कर रहा है तो कहाँ से समस्या हो सकती है। मैं बैटरी के ऊपर चलता हूँ बताने, ठीक है ना। तो पहले मैं तो अपना बोनेट खोलाता हूँ। एक मेरे दोस्त आए हैं, देखिए, जो इनका मदद लिया हूँ, छोटा सा एक मदद लिया हूँ कि आप बोनेट खोलिए। तो चलिए इनसे बोनेट पहले खुलवाते हैं। चलिए बोनेट खोलिए, तो देख लीजिए। आज बहुत दिनों के बाद आज सपोर्ट मिला है मेरे को और ये मेरे बात माने हैं, इसके वजह से आज आए हैं। तो प्लीज़ आप अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और प्रत्येक वीडियो में आप लोग बहुत प्यारी से कमेंट करते हैं, वैसे भी आप लोग कमेंट करें और बहुत अच्छा तरह से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप और अच्छा तरह से सपोर्ट करें और किसी और के पास भी ये वीडियो शेयर करें। चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ से प्रॉब्लम आती है। तो देखिए बैटरी में रहा, ये बैटरी में कई बार क्या होता है, करंट रहता है, इसमें पावर रहता है लेकिन स्टार्ट नहीं होती है, तो अधिकांश आती है प्रॉब्लम। तो इसमें प्लग लगी रहती है, प्लग वो आप चेक कर सकते हैं, चार प्लग होती है। अगर प्लग को आपको चेक करने का ढंग नहीं है तो मैं प्लग के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं एक छोटा सा टिप्स आपको बता दे रहा हूँ कैसे प्लग को चेक करते हैं, ठीक। तो मैं ये प्लस वाला जो पॉइंट होती है बैटरी का, इस पर आप एक तार रख लें या इसमें बांध दें या इसमें टाइट कर दें, इसमें आप टाइट कर सकते हैं। इसमें टाइट करके उसके बाद से बैटरी का जो एक प्लग यहाँ पर लगे रहेगा और एक प्लग यहाँ पर सटाइए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये चार है, चार में सटा के देखिए। अगर इसमें धुआं फेंक रहा है तो प्लग सही है। अगर ऐसे भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लग आसानी से आप खोल सकते हैं, यहाँ से खोल लीजिए चारों प्लग खोलकर। अब फिर जैसे मैं बताया हूँ वैसे ही एक बैटरी के तार यहाँ पर रहेगा और एक इसमें सटाइए। अगर प्लग हीट हो रही है, लाल हो रही है, तो समझ लीजिए प्लग सही है। तो ये रहा पहला प्रॉब्लम, इसमें कैसे चेक करते हैं। बैटरी का जो प्रॉब्लम है वो तो मैं सॉल्व कर दिया कि बैटरी चार्ज रहता है और फिर भी स्टार्ट नहीं होती है तो प्लग का दिक्कत हो सकती है, ठीक। तो इसमें एक और प्रॉब्लम होती है, ये रिले होता है, ये भी ख़राब होने का चांस होता है। ये दोनों, अगर ये दोनों ख़राब हो जाएगी तो वो बैटरी चार्ज रहेगी लेकिन बैटरी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी बैटरी से। तो ये समझ में आपको आ गया, ठीक। दूसरा प्रॉब्लम क्या होती है, वाइपर का। देखिए मेरा वाइपर वाला मोटर है, यही है वाइपर वाला मोटर, यही मोटर वाइपर को चलाता है। तो यहाँ से आपका ए वाला चलता है, ये वाला वाइपर, फिर एक वो होता है, ये दोनों वाइपर चलता है। तो कई बार चलता तो है पर इसका पानी लीक करता है। तो आप जैसे समझ सकते हैं कि वाइपर वाला मैं बता दिया हूँ मोटर, और वाइपर का पानी यहाँ से आता है, ये मेरा ख़राब हो गया है, वाइपर नहीं चलता है, तो यहाँ से पानी आता है। यहाँ से जब पानी फेंकता है, एक यहाँ पर लगा रहता है, यहाँ पर दोनों, यहाँ पर मेरा एक बोर्ड था, एक डब्बा था, ऐसे ही एक डब्बा था यहाँ पर पानी भरने वाला वाइपर वाला। तो फिलहाल में मेरा वाइपर तो नहीं है, वाइपर तोड़ दिए हैं सब। मैं पुराना गाड़ी परचेस किया हूँ, इसका MI आज भी मैं भरता हूँ,
क्योंकि मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं कि मैं गाड़ी खरीदूँ। तो जिस दुकान पर मैं काम करता हूँ उन्हीं का गाड़ी है अभी तक, मतलब 1,000-2,000 करके मैं देता हूँ उसको गाड़ी को। तो अभी तक मैं इसका पेमेंट भर रहा हूँ। वीडियो बनाने के लिए मैं गाड़ी परचेस किया हूँ। तो इसी के लिए परचेस किया हूँ कि वीडियो बनाने के लिए परचेस किया हूँ कि बहुत आप लोग का डिमांड आ रहा था कि वीडियो बनाइए। तो मैं इसलिए इस गाड़ी को परचेस किया हूँ। इसका MI आज भी मैं भरता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट पूरा करें, क्योंकि एक आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्लीज़ सपोर्ट आप लोग कर दें, सपोर्ट कर रहे हैं। तो फ्यूचर में मैं जब भी आपके पास वीडियो डालूँगा तो अच्छी वीडियो डालूँगा, आपके नॉलेज के संबंधित वीडियो डालूँगा, आप ही के हिसाब से मैं वीडियो हमेशा डालता रहूँगा। तो एक और मेरा गाड़ी है जो आप लोग पूछ रहे थे कि सर एक और दूसरी गाड़ी है वो कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूँ कि वो मेरा ही गाड़ी है लेकिन पर वो सीज हो गया है। तो इसकी वजह से मैं वहाँ जहाँ शॉप करता हूँ वहाँ पर मैं गाड़ी रखा हूँ, तो सीज हो गई है, बिल्कुल अच्छी तरह सीज हो गई है। उसमें खर्चा लग रही है लमसम 15,000-20,000 के आसपास में लग रही है। तो मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं कि मैं उसको बनवाऊँ, तो फिलहाल में मैं वैसे ही रखा हूँ। और ये भी गाड़ी अच्छा है तो इसी को मैं लिया हूँ। ये मेरे मालिक की गाड़ी है, मैं आज भी इसका किस्त भरता हूँ, किस्त के माध्यम से लिया हूँ। तो ये गाड़ी मेरे को पड़ी थी 20,000 के और मैं आज भी इसका लमसम 10,000 रुपये भर दिया हूँ। 10,000 रुपये और है भरने के लिए, तो जो मेरा पॉकेट मनी बचता है मैं उसी में अपना 1,000 करके मैं इस किस्त भरता हूँ। तो मेरा ये आप लोग समझ सकते हैं कि मैं कहेंगे तो मोटर में खोल के दिखा दूँगा उसमें क्या लगा रहता है और क्यों ख़राब रहता है और क्यों नहीं चलता है। मैं कहिएगा तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो एक और दोस्त है मेरे जो कमेंट किए हैं कि सर हीटर प्लग में लाइट नहीं आती है, तो उनको मैं बता सकता हूँ कि हीटर प्लग में लाइट क्यों नहीं आती है। तो चलिए मैं गाड़ी के अंदर खोल के अपना दिखा दे रहा हूँ कि हीटर प्लग कैसे लाइट शो करता है और शो करता है कि नहीं करता है और कितना देर शो करता है, क्या समस्या हो सकती है। मैं डैशबोर्ड में दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए बैटरी वाला है, तो आप देख सकते हैं कैसे शो कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर लाइट शो कर रहा है। देखिए अगर ऐसे भी आपका शो कर रहा है तो समझ लीजिए हीटर प्लग में दिक्कत है इसका। अगर ये डायरेक्ट रुक रही है 4-20 सेकेंड रुक कर उसके बाद से गायब हो जा रही है तो सही है, अप डाउन कर रही है तो समझ लीजिए इसमें दिक्कत हो सकती है। तो आप लोग समझ सकते हैं मेरा तो ये थोड़ा दिक्कत है, प्लग का दिक्कत है, इशू है, तो इसकी वजह से थोड़ा अप डाउन कर रही है। तो अब फिलहाल में ये रुक गई है, तो जब ये हीटर प्लग जो होती है जब रुक जाती है तब अपना स्टार्ट करें गाड़ी तो सही रहेगा। तो मैं हीटर प्लग बता दिया हूँ कि कैसे चेक करते हैं। और अगर इसमें लाइट भी अपना नहीं आ रही है, अगर इसमें करंट नहीं बता रही है, डैशबोर्ड में करंट नहीं सप्लाई बता रही है, तो कहाँ से दिक्कत हो सकती है मैं बता रहा हूँ आप। ये जो इंजन होती है इसमें एक रिले लगा रहता है, जो रिले ख़राब हो जाती है इसकी वजह से हीटर प्लग में लाइट नहीं आती है। रिले जो होती है वो ख़राब हो जाती है इसकी वजह से हीटर प्लग में लाइट नहीं आती है। तो ये मेरा तीसरा नॉलेज हो गया। तो आप सब समझ सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। वाइपर का वीडियो बना दिया हूँ और बैटरी का और एक हीटर प्लग का लाइट का, ठीक। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आई। अगर समझ में आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर वीडियो कमेंट करके ही जाइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।